ग्वालियर में आयोजित बीजेपी के 3 दिवसीय सदस्यता सम्मेलन सियासत पर तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने अनेक स्थलों पर जाकर सद्बुद्धि यज्ञ और शुद्धिकरण करने के लिए गंगा जल का छिड़काव किया। आपको बता दें, कोरोना काल में हुए इस राजनीतिक आयोजन पर कांग्रेस लगातार बीजेपी का घेराव कर रही है और ग्वालियर चंबल अंचल में उन सभी स्थलों का शुद्धिकरण करने पहुँच रही है। शुद्धिकरण हमारे अशोक शर्मा जी ने कराया, वो इस मैसेज है फूलबाग मैदान में कराया। उसका एक सिंपल मैसेज है क्या कि इस जगह को जब हम अपने पाप धोने जाते हैं, गंगा मैया में डुबकी लगाने जाते हैं, तो शुद्धिकरण करते हैं खुद का। तो इस गंगा जल इस ग्राउंड पर डाल के उन्होंने इस ग्राउंड को शुद्ध किया है उन सभी भाजपा नेताओं द्वारा जिन्होंने यहाँ पर गंदगी फैलाई। 16 विधानसभा तक जो है जल का प्रोक्षण करवा सकें और जनता के बीच में गंगा जल को पहुंचा सकें, यह हमारा अभियान बिल्कुल रेगुलर चलता रहेगा जब तक हमारा चुनाव नहीं हो जाएगा।